हाउ आर यू, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप अभी आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ रहे हैं लेसन्स, और बहुत ध्यान लगाकर और बहुत अच्छे से समझ के आप लोगों को पढ़ना है। और मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को बराबर नहीं देखा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैडम दे देंगी क्वेश्चन और आंसर, उनसे ही बोल देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वेरी बैड। तो आप भी तो थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ही देने वाले हो, मैं थोड़ी आने वाली हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता था ना, पूरे मार्क्स मिल जाते तुम लोग को, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अभी मुझे बच्चों ने कहा है जनरल साइंस का ये जो सेकेंड लेसन जो है, फर्स्ट लेसन लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन और आंसर्स मुझे बच्चों ने पूछे हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि क्वेश्चन और आंसर्स आप लोगों को किस तरह से फाइंड आउट करने हैं बुक्स में से, ठीक है? फिर आप लोगों को घर में ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है अपने आप, ओके? तो फाइंड माय मैच, मेरा मैचिंग ढूंढ कर निकालिए। अब इधर ए ग्रुप दिया है और इधर बी ग्रुप दिया है। किसी किसी स्कूल में इस तरह से मैचिंग करते हैं, और किसी स्कूल में बीच में आंसर्स लिख के ए और बी ग्रुप लिख के सेंटर में आंसर्स लिखना पड़ता है, तो ही वो लोग मार्क्स देते हैं, अदरवाइज वो लोग मार्क्स नहीं देते। तो आप लोग के क्या रूल्स है वो आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, ओके? अभी देखो लोटस, लोटस क्या है? Adapted to live in water, पानी में रहता है ना लोटस। लोटस यानी क्या? कमल का फूल पानी में रहता है। अभी एलो, एलो यानी adapted to live in deserts, जो without leaves के जो पत्ते होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं हम लोगों को? डेजर्ट में दिखाई देते हैं, ये वाले पत्ते देखो, है ना? तो ये हमें डेजर्ट में दिखाई देते हैं। अभी ये है कसकुटा, कसकुटा क्या है? होस्टरियल रूट फॉर एडेप्टेशन ऑफ फूड। अभी फोर्थ है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लावर एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अभी ये क्या करते हैं? इसके जो फूल और पत्ते होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अभी सेकेंड इसमें दिया है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई एम अ पेंगुइन, पेंगुइन देखा ना आप लोगों ने? पेंगुइन देखा रहेगा कि नहीं आप लोगों ने, जो पोलर रीजन में रहता है स्नो में, जो इंसानों के जैसे चलता है। देखो आई लिव इन पोलर रीजन कवर्ड बाय स्नो, पूरा वो पोलर रीजन जो है पूरे बर्फ से भरा हुआ रहता है। माय एब्डोमन इज वाइट, उसका जो पेट होता है ना वो पूरा वाइट होता है। माय स्किन इज थिक, बहुत जाड़ा होता है, बहुत मोटा होता है उसका स्किन, विथ अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। अभी उसके अंदर बहुत मोटा फैट यानी चर्बी का लेयर होता है, क्यों? क्योंकि वो ठंडी से अपने आप को बचा सके, इसके लिए। माय बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, आप लोगों ने देखा रहेगा ना पेंगुइन का शेप कैसा रहता है, उसे स्पिंडल शेप कहते हैं। माय विंग्स आर स्मॉल, उसके जो पंख होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। माय टोज आर वेब्ड, उसके जो पैर होते हैं ना वो बदक के कैसे पैर होते हैं वेब्ड, वैसे उसके भी पैर वेब्ड होते हैं। वी लिव इन फ्लॉक्स, अभी ये लोग ग्रुप में रहते हैं। अभी आप लोग को ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद
नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर आप लोगों को देने हैं. व्हाई इज माई स्किन वाइट एंड थिक एंड व्हाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ. क्यों है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आइस कोल्ड रीजन. व्हाई डू वी live in flocks sticking close to each another for safety. अगर उन्हें उनके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो ये लोग क्या करते हैं ना, हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते. Which geographical region do I inhabit? Why? Which geographical region? मतलब कौन सी ज्योग्राफिकल रीजन में मैं रह सकता हूँ और क्यों, कौन से पॉली इसमें रीजन में ये लोग रहते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं ये लोग. ये देखो, आई लिव इन पोलार रीजन कवर्ड बाय स्नो. व्हाई? बिकॉज वो जहाँ पर स्नो है, स्नो से कवर्ड रहता है जगह, वहाँ पर ही ये लोग रह सकते हैं. बिकॉज दे नीड स्नो टू लीव. पेंगुइन को ठंडे बर्फ में ही वो लोग रह सकते हैं. हमारे इधर भी लेके आए थे, मालूम है तुम लोग को, भाईखला में वो अपना पेंगुइन्स लेकर आए थे, तो मैंने सुना है कि वो पेंगुइन्स नहीं जी पाए, यहाँ का वेदर उन लोग को सूट नहीं किया और वो मर गए, ऐसा कुछ मैंने सुना है. आई एम नॉट श्योर. अभी मैंने फिर से सुना है कि फिर से अभी उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है. आई डोंट नो वो लोग कहाँ पर है, लेकिन मैंने इसे सुना है. डी, विच एडेप्टेशन शुड यू हैव टू अनेबल यू टू लीव परमानेंटली इन द पोलर रीजन. अभी उन लोगों ने हम लोगों को पूछा है कि आप लोग क्यों नहीं रह सकते हो पोलर रीजन में परमानेंटली और वाई, क्यों. तो अभी तुम लोग लिखने वाले कैसे मालूम है? आई कैन नॉट हैव टू अनेबल टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन स्नोवी पोलर रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर मी टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन. अभी वाई पूछा है क्या? नहीं. अभी ये कैसे स्टार्ट करना है? स्नोवी पोलर रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर मी टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन बिकॉज माई स्किन एंड बॉडी कैन नॉट एबल टू बेयर दैट कोल्डनेस ऑफ पोलर रीजन. अभी हम लोग रह सकते हो क्या वहाँ पे जहाँ पर वो पेंगुइन रहते हैं? अकड़ जाएंगे तुम लोग. -50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर पेंगुइन ही ठीक है और हम लोग हमारे इधर ही ठीक है ना. -50 डिग्री में जाएंगे तो क्या होगा हम लोग का? इसके लिए हमारा जो स्किन है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते. ये आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है? बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रही हूँ. इससे सिंपल ये आंसर हो नहीं सकते, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 3, हु इज लाइंग, यानी कौन झूठ बोल रहा है. ये जरा समझ लिया करो आप लोग के सवाल क्या पूछा गया है आप लोगों को. Who is lying? Lie बोलना यानी झूठ बोलना. कौन झूठ बोल रहा है, कौन खोटा बोलते. A, cockroach. I have 5 legs. अभी कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है ना. I have 5 legs. मुझे 5 पैर है. इंसेक्ट के 5 legs होते हैं क्या? किटकांचे पाय किती असतात? 5 असतात कि 6 असतात? 6 रहते हैं. तो आई हैव 5 legs इज कॉकरोच इज लाइंग.
बीबी है हैन, माई टोज आर वेब्ड। हैन यानी क्या? मुर्गी। तो मुर्गी के पैर वेब्ड होते हैं क्या? नहीं होते, मुर्गी के पैर नॉर्मल होते हैं। वेब्ड पैर किसके होते हैं? डक के होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? लाइंग। अभी कैक्टस, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। अभी कैक्टस जो रहता है वो डेजर्ट में का प्लांट है, तो माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ। इसे लीफ होते ही नहीं है, उसे स्टेम ही होते हैं खाली। ये देखिए, कैक्टस को लीफ नहीं होते, ओनली स्टेम होते हैं। तो ये भी कैक्टस भी झूठ बोल रहा है, झूठा एक नंबर का। तो उसके लीफ होते ही नहीं, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? अभी 4, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एडेप्टेशन विथ रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट। अभी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके पैराग्राफ आप लोगों को लिखने हैं। देर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट। अभी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर। वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, इसके लिए डेजर्ट जो है वह बहुत, और वहाँ पर रेत होती है, तो रेत की वजह से धूप में वह रेत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है? इसके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ग्रासलैंड आर लश ग्रीन। पेज नंबर 3 में इसका आंसर है। ये देखो, ग्रासलैंड प्लांट्स के बारे में आप लोग को ये यहाँ से लेके ग्रास आर फाउंड इन द ग्रासलैंड, डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आर लश ग्रीन। इसमें आपको ना ये पूरा पैराग्राफ ही लिखना पड़ने वाला है, समझ जाएंगे आप लोग। लेसन जब अगर ध्यान से देखा रहेगा आपने तो समझ में आएगा। सी इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। अभी इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा नंबर में हम लोग को कहाँ पर नज़र आते हैं? तो का आंसर है इधर, वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासहॉपर्स, दे गेट कैमोफ्लेज्ड एमिडस्ट ग्रासेस, पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, दैट इज बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज एंड देयर सराउंडिंग्स। तो उस सराउंडिंग्स में वो लोग दिखाई नहीं देते, उनके कलर उसमें मिक्स हो जाते हैं, इसके लिए इंसेक्ट हम लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, वी हाइड। अभी एनिमल्स छुपते हैं, कहाँ छुपते हैं? ये देखो, डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड, फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल, एनिमल्स
like tiger, elephants and deer can remain hidden in these grasses. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. Now next, we have long ears. अभी किसे होते हैं long ears? तो ये जो डियर के बाजू में पैराग्राफ दिया हुआ है का देखो इधर, देर लॉन्ग एंड फ्रीली. तो डियर लिखना आप लोग या रैबिट लिखना. मूविंग ईयर कैन, ये देखो तो ईयर को कैसे मूव करते हैं ना, आगे पीछे ऐसे सब जगह पे इनके ईयर्स ऐसे मूव करते रहते हैं. तो लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस. तो कितने भी दूर का साउंड अगर होगा, कोई एनिमल उनके नज़दीक आता रहेगा तो उसका आवाज़ ये लोग कानों के थ्रू सुन लेते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं. इसके लिए उन लोगों के ईयर लॉन्ग रहते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना है. ठीक है, ये देखो है ना, ये लोग ऐसे घुमाते रहते हैं अपने कानों को, आवाज़ सुन के जायज़ा लेते रहते है कि कहीं से कोई एनिमल तो नहीं आ रहा है. ठीक है. नाउ आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. अभी डेजर्ट में नॉर्मली कैमल लोग रहते हैं, तो कैमल को ही शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा गया है? तो कैमल को डेजर्ट में का वेहिकल कहते है, शिप कहते हैं, बोट कहते हैं, मराठी मध्ये वाळवंटा मधील वाहन असं म्हणतात कैमलला, उंटाला का म्हणतात. तो ये जो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेजर्ट के रहने लायक है. तो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण वह डेजर्ट में रह सकता है? ठीक है, अभी डेजर्ट है बोले तो वहाँ पर क्या होता है, स्कर्सिटी ऑफ वाटर होता है, पानी बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है. हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन. अभी हम लोग कैमल के बारे में ही बात करेंगे. कैमल जो डेजर्ट में रहता है उसका जो स्किन है वो कैसा है, थिक है, मोटा है, जाड़ा है. टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. अभी ये जो स्किन मोटा है उसकी वजह से कड़ी कड़क धूप में भी उसके शरीर के अंदर का पानी नहीं सूखता है, प्लस उसे पसीना भी नहीं आता, वरना पसीने में से भी पानी निकल जाता है ना. तो इसका स्किन जो मोटा होने की वजह से उसे पसीना भी नहीं आता और उसके जो बॉडी के अंदर जो पानी है वो सूखता भी नहीं है. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सोल. अभी उनके जो पैर है वो बहुत लंबे रहते. क्यों लंबे रहते हैं? क्योंकि ये जो डेजर्ट जो गर्म हो गया रहता है ना, तो उसका हीट उनके बॉडी तक ना लगे, इसके लिए उनके पैर जो रहते हैं वो बहुत लंबे रहते हैं. लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सोल. अभी उनके जो पैर है ना, ये देखो लॉन्ग है और कुशन के जैसे है, नीचे से ना एकदम सॉफ्ट रहते हैं वो. क्यों? ताकि वो रेत में अच्छे से चल सके और उसको रेत के चटके ना बैठे, इसके लिए. ठीक है. द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन. ये है उसकी नॉस्ट्रिल, ये देखो ये है उसकी नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल को स्किन से कवर्ड किया गया है ना,
देखो स्किन से कवर किया गया है नॉस्ट्रिल जहां से वो सांस लेती है. द आईलैशेस आर लॉन्ग एंड थिक. उसके आईलैशेस जो है ये आईलैशेस होते हैं डोळ्याच्या पापण्या, तो वो बहुत ही लॉन्ग और घने रहते हैं, थिक रहते हैं, ताकि रेत उड़ के उनके आँखों में ना जा सके. तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो कैमल में है. इसकी वजह से कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. समझ में आ गया आप लोग को. बी, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाकिया लिव इन डेजर्ट्स विथ स्कर्स वाटर. अभी पानी कम होने के बावजूद भी ये जो प्लांट्स है लाइक कैक्टस एंड अकाकिया डेजर्ट में किस तरह रह लेते हैं. तो क्या है इसमें खास बात कि डेजर्ट में रहने के बावजूद भी ये लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है. अभी डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न या फिर कांटे. देखो है ना, देखो कांटे है, थॉर्न यानी कांटे. एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन. अभी नॉर्मली जो झाड़ होते हैं उसके पत्ते की वजह से इवेपोरेशन होता है, लेकिन इसमें पत्ते ही नहीं है तो इवेपोरेशन होने का सवाल ही नहीं उठता. देखो भगवान ने कैसे कुदरत बनाई है. द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लैशी. ये देखो ये जो स्टेम है ये फूड और वाटर इसमें स्टोर करके रखते हैं, समझे. इसके लिए वो फ्लैशी रहते हैं, भरे हुए रहते हैं. द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स. अभी ये जो स्टेम है ये ग्रीन है, क्यों ग्रीन है. ग्रीन किसका कलर ग्रीन होता है, पत्तों का कलर ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से. तो ये पूरा जो स्टेम है ये ग्रीन है, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. लीव्स नहीं है लेकिन ये जो ग्रीन है क्लोरोफिल, उसमें वह फोटोसिंथेसिस करता है. एब्सेंस ऑफ लीव्स देयर रूट्स पिनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. इसकी जो रूट्स होते हैं वो जमीन में अंदर तक गए रहते हैं. क्यों अंदर अंदर घुसते जाते हैं वो रेत के पानी की तलाश में. जब तक पानी मिलता नहीं है वो अंदर अंदर ही घुसते जाते हैं. देयर रूट हो गया ये इन सर्च ऑफ वाटर. देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स टू. वैक्सी यानी एक जेल के जैसा सब्सटेंस रहता है ये स्टेम्स के अंदर. तुम लोगों ने एलोवेरा देखा है ना, एलोवेरा जेल तुम लोग की बहनें या तुम लोग के भाई ऐसे लगाते रहेंगे या तुम लोग भी लगाते रहेंगे तो पता नहीं. तो वो जो ऐसे जेल जैसा आता है ना वही इसके अंदर भी रहता है, ठीक है. तो ये हो गया इसका जवाब. अभी तो लिख सकेंगे ना तुम लोग, सब स्पून फीडिंग करना पड़ता है तुम लोग को. सी, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. अभी कोई भी जीव रहता है तो उसका सराउंडिंग के बारे में हम लोगों को बताना है, तो उसका आंसर इधर ही है. Changes take place in the various organs in the lifespan of organisms that
enable them to live, feed, reproduce, protect themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical condition are called adaptation. तो इसमें यही आता है जवाब. देखो यहां से लेके यहां तक. और सराउंडिंग में एक ये पॉइंट भी आता है आप लोगों को. और एक पॉइंट ये भी आएगा जो ये जो है एनिमल्स जो बड़े बड़े ग्रास में छुपके बैठते हैं वो भी आ सकता है सराउंडिंग्स में. तो जो जो मेन मेन है उसको थोड़ा अंडरलाइन करके फिर आप लोग अपने हिसाब से आंसर्स लिखना. डी हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड. अभी ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है इसका जवाब यहाँ पर है. हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लेंटी. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ये है उसका जवाब. ठीक है तो देखो मैंने आप लोगों को एज पॉसिबल एज सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और अभी आप लोग खुद ही आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एक बार समझ में आने लगेगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. सब फिर आप आसानी से लिख सकेंगे. आप अगर समझ के अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो उस आंसर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. या फिर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है तो इस तरह से आज मैंने आप लोग को क्वेश्चन और आंसर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. अभी आप लोग वीडियो की हेल्प लेके सवाल के जवाब लिख सकते हैं. ठीक है मैं जल्दी ही आप लोगों को आगे के लेसन्स भी सिखाने वाली हूँ. तो तब तक आप लोग मेहनत कीजिए. ठीक है और मैं जो भी इम्पोर्टेंट बताती हूँ ना जब मैं लेसन सिखाती हूँ तो उन बातों को आप लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे. जो मैंने इम्पोर्टेंट कहा है ना वो इम्पोर्टेंट है यानी वो इम्पोर्टेंट ही है. तो आप लोगों को उसको सीरियसली ही करना है. मैं जब सिखाती हूँ तो जो भी डायग्राम कुछ नाम जो मैं आपको बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस में आपको बताती हूँ कि ये हर एग्ज़ाम में आते ही है. पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम्स में आने की क्योंकि हम छोटे थे तभी भी ये सवाल हम लोगों को आते थे और आज तक भी ये सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से. तो इन सवालों को आप लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लोगे. ठीक है फिर आप लोगों के भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं. आपके पास टाइम बहुत कम है तो बहुत जल्दी और बहुत सीरियसली आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा. ठीक है चलो फिर अभी मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ फॉरवर्ड करना कमेंट करना. चलो फिर मिलते हैं अगली चैनल में. तब तक के लिए बाय बाय.